नाउ वी विल टॉक ऑफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स. इसका क्या मतलब है? सपोज वी हैव टू कर्व्स और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. हम इंटरेस्टेड है उन दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालने में. तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स इज डिफाइंड एज द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स या नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब अगर हमारे पास दो कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होगा जो उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब ये, लेट्स टेक अनदर एक केस कि लेट्स से हमारे पास एक कर्व ये है, एक कर्व ये है. लेट्स से ये है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और ये है वाई इज इक्वल टू जी एक्स. लेट्स से दो कर्व्स हैं हमारे पास. नाउ ये जो दो कर्व्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो अगर मुझे इन दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स बनाऊंगा इन दोनों पर. लेट्स से ये इस कर्व पे टेंजेंट हो गया और ये इस कर्व पे टेंजेंट हो गया. तो जो इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा, लेट्स से ये थीटा है, इस टेंजेंट और इस कर्व और इस कर्व के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उस पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा दोनों कर्व्स पे. और जो उन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वही हमारा एंगल बिटवीन द कर्व्स होगा. वी कैन टेक अनदर केस. एक जैसे सपोज ये है, लेट्स से वी हैव कि हमारा एक कर्व ऐसा है एक वैसा है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर एक टेंजेंट पहले कर्व पे बनाया और एक टेंजेंट दूसरे कर्व पे बनाया. तो जो उनके एंगल है बिटवीन द टेंजेंट्स वो हम निकालेंगे. और वो निकालने पर हम क्या कहेंगे कि हमारे जो दो कर्व्स हैं उनके बीच एंगल इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये है. नाउ अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा सोचे कि हमारे कर्व्स इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे तो फिर उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा भी नहीं. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे, इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा है, टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स. कर्व्स को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करके उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे. और जो उन एंगल्स उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वही हमारे कर्व्स के बीच का एंगल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे. नाउ अगर हमारा कर्व एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है तो हम हर पॉइंट पे एंगल निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ है तो ये हमारे लिए इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया और ये पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया. तो इसी तरीके से इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया और सेकेंड ये टेंजेंट हो गया. तो नाउ वील फाइंड आउट द एंगल एट बोथ दीज पॉइंट्स. ये लेट से थीटा वन है, ये थीटा टू है. तो हम क्या कहेंगे, ये लेट से कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इज इक्वल टू जी एक्स है. तो हम कहेंगे एफ एक्स और जी एक्स के बीच में लेट से ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है. तो हम कहेंगे पॉइंट वन पर एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एंगल थीटा टू है और पॉइंट लेट से ये टू है. पॉइंट टू पे एंगल बिटवीन द कर्व्स है थीटा टू और एट पॉइंट वन एंगल बिटवीन द कर्व्स है थीटा वन. तो अनलेस एंड अंटिल द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग हम उनके बीच का एंगल नहीं निकाल सकते. दिस इज पॉइंट नंबर वन. देन वी मूव टू पॉइंट नंबर टू. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन can be found by either solving the two equations simultaneously or by drawing the graph and finding the point of intersection.
और द थर्ड मेथड इज वी जस्ट लुक एट द फंक्शंस एंड बाय ऑब्जर्वेशन वी आर एबल टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बाय सिंपली सिंपल ऑब्जर्वेशन. मतलब हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको ऑब्वियस पॉइंट दिख गया उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ्स. ग्राफ्स पे जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव लेट्स से वी हैव e raised y equals to e raised to power 1 minus x and y equals to ln xe. अब अगर हमारी ये दोनों ग्राफ्स हैं तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ग्राफ भी बनाना काफी डिफिकल्ट होगा. लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखें तो अगर इसमें हम x को 1 दें तो ये क्या हो जाएगा, फॉर x इक्वल टू 1 e raised to power 0 यानी 1 आएगा, और यहाँ पे x को 1 दें तो एल एन ई हो जाएगा, एल एन ई भी 1 है, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो गया 1, 1. तो बाय ऑब्जर्वेशन वी हैव फाउंड आउट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ना ग्राफ बनाया ना उन्टर किया, तो समटाइम्स वी आर एबल टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. ये इस मतलब है. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ sometimes it is not possible to find the point of intersection. मतलब कभी कभी equations ऐसी होती हैं कि उनका point of intersection निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है. That simply means या तो then either the point of intersection is found by observation जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया, और एक ऑप्शन ये हो सकता है point of intersection may not be required in the question. हो सकता है क्वेश्चन में उसकी जरूरत ही ना पड़ रही हो, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम नहीं निकाल पा रहे. नाउ थर्ड पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज डू नॉट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अनलेस रिक्वायर्ड. जब तक जरूरी ना हो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अनलेस रिक्वायर्ड. अगर उसके बगैर भी हमारा क्वेश्चन हो रहा है तो वी कैन सॉल्व इट. दूसरा पॉइंट यही हुआ. थर्ड पॉइंट है देयर कुड बी मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन द टू कर्व्स. Therefore, in such case, the angle of intersection is found at each point of intersection and mentioned with respect to that पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसका क्या मतलब है, हो सकता है कि हमारे कर्व्स, लेट से एक कर्व हमारा ये है एंड लेट से दूसरा कर्व ये है, लेट से दिस इज एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू जी एक्स. अब ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक से ज्यादा मिल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी. तो हम सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट पे भी दोनों पे टेंजेंट बनाएंगे, इस पे भी दोनों पे टेंजेंट बनाएंगे, इसमें भी दोनों पे टेंजेंट बनाएंगे,
इस पे भी एंगल निकालेंगे, लेट से वो थीटा वन है, इस पे एंगल निकालेंगे थीटा टू है, इस पे एंगल निकालेंगे थीटा थ्री, मतलब जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उन सब पे हम इंडिविजुअली अलग अलग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और जो आंसर जब होगा तो हम विद रेफरेंस टू दैट पॉइंट, अगर ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन इंटरसेक्शन का तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा वन है, अगर ये पॉइंट एक्स टू वाई टू है तो इसके रेफरेंस में एंगल थीटा टू है, लेट से दिस पॉइंट इज एक्स थ्री वाई थ्री तो इसके रेफरेंस में एंगल है थीटा थ्री, तो विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट उस हिसाब से हम एंगल बताएंगे अगर, और दूसरी बात यह कि जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उन सारे पॉइंट्स पे हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेपरेटली निकालेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट, फॉर फाइंडिंग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वी follow the following steps, मतलब क्या हुआ, जब हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स निकालना हो तो ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, लेट द कर्व्स बी y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स, दो कर्व्स हैं, स्टेप वन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज फाउंड बाय सॉल्विंग द टू कर्व्स। अब वो टू कर्व्स को सॉल्व करके हम निकालें, चाहे ग्राफ से निकालें चाहे ऑब्जर्वेशन से निकालें, पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। सेकेंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर बोथ कर्व्स एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों कर्व्स का dy by dx निकालें हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। एंड थर्ड यूज द फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan theta equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, लेट द स्लोप्स बी M1 and M2। मतलब क्या हुआ, लेट से हमारा एक कर्व ये है और एक दूसरा कर्व ये है, ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल गए, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस फंक्शन का dy by dx निकाला और इस फंक्शन का dy by dx निकाला, फिर लेट से ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है और ये पॉइंट x3 y3 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम क्या करेंगे, एट x1 y1 f डैश x निकालेंगे और g डैश x निकालेंगे, मतलब dy by dx पहले फंक्शन का, dy by dx दूसरे फंक्शन का, कहां पे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लेट से ये हो गया m1, ये हो गया m2, और फिर हम क्या लगा देंगे, tan theta equals to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, तो ये क्या बता देगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह फिर हम सेकंड पॉइंट पे x2 y2 पे क्या निकालेंगे, f dash x की वैल्यू, ये हमने निकाली है x1 y1 पे, इसी तरह हम x2 y2 पे दोनों फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालेंगे x1 y1, और ये क्या हो जाएगा जी डैश एक्स एट एक्स टू वाई टू, लेट से ये एम वन आया ये एम टू आया, फिर हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, यही वाला, तो एक्स टू वाई टू पे हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सिमिलरली हम एक्स थ्री वाई थ्री जितने भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन पे हम ऐसे ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये काम करने का तरीका मोटस ऑपरेंडी ये है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, If the angle of intersection between the two curves at each point of intersection is 90 degree,
Then the curves are said to be orthogonal. The important word is each. Suppose हमारा एक curve ये है and let's say दूसरा curve ये है, तो ये दो जगह intersect करे, let's say यहां पे और यहां पे, हमने दोनों curves पे tangents बनाए, मतलब dy by dx की value इस point पे भी निकाली दोनों curve की और इस दूसरे पे भी निकाली, यहां पे हमने angle of intersection निकाला वो भी 90 आया, यहां angle of intersection निकाला वो भी 90 आया. अगर जितने भी point of intersection है उन सब पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 आएगा तब ये कर्व्स क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स कहलाएंगे. एफ एक्स जी एक्स विल बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स. लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल हम एक कर्व बनाया एक दूसरा कर्व बनाया, तो लेट्स से इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट्स बनाए उनके बीच का एंगल निकाला वो 90 आए. लेट्स से एक दूसरा पॉइंट है ये वाला, इस पे हमने टेंजेंट्स बनाए और उस पे एंगल आया थीटा 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 90, तो फिर ये कर्व्स क्या है, ऑर्थोगोनल नहीं है. दीज आर नॉट ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल कर्व्स कब होते हैं, जब हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 है. अगर एक भी पॉइंट ऐसा है जहां एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 नहीं है तो वो ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं है. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू e रेज्ड टू पावर माइनस x बाय 2. नाउ प्रोसेस क्या था, फर्स्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन फाइंड dy by dx फॉर ईच कर्व, पुट द वैल्यूज ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन dy by dx फॉर बोथ कर्व्स, एंड देन दैट विल टेल यू व्हाट द टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और फिर हम tan theta की वैल्यू लगा देंगे, m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, दैट इज एंगल बिटवीन द टू tangents. तो लेट हमने कहा लेट द पॉइंट of intersection between the two curves be let's say alpha beta. अच्छा, you might be thinking कि हम इसे solve क्यों नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं. Solve इसलिए नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये algebraic function है, ये exponential function है, इनको अगर आप solve करेंगे तो आप solve कर नहीं पाएंगे इसको. If you look at the graphs of these two functions, चेक करिए, ये e की पावर माइनस एक्स बाय टू का ग्राफ ऐसे आएगा और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपका ग्राफ ऐसे आएगा. तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर लेट्स से ट्राई भी करें तो y स्क्वायर की जगह 4x है, तो y की वैल्यू क्या, e रेस्ट बाय माइनस एक्स बाय टू, यानी e रेस्ट बाय माइनस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, विच गिव्स यू e रेस्ट पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x. यहां तक तो आ गए, लेकिन इसके बाद सॉल्व करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लेफ्ट साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट साइड एल्जेब्रिक फंक्शन है. तो देखते हैं, हो सकता है हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत ना पड़े या उसके वैल्यू की, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही हमारा आंसर आ जाए. नाउ तो सबसे पहला काम क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया. देन द सेकंड स्टेप वाज डिफरेंशिएट द टू कर्व्स. तो हमने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को चेक करते हैं. तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y इंटू dy बाय dx और 4 बाहर x का 1, तो देयरफॉर dy बाय dx क्या आया फॉर द फर्स्ट कर्व, 2 1s are 2 2s are that is 2 upon y. किस पॉइंट पे dy by dx निकाल रहे हैं, एट अल्फा बीटा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा पे, तो क्या वैल्यू आई, 2 upon beta. तो ये हमारा क्या हो गया m1, मतलब लेट्स से ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये हमारा टेंजेंट हो गया t1. नाउ इसी तरीके से इस पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट हमारा ये हो जाएगा, लेट्स से ये t2, ठीक है. तो यही एंगल हम ढूंढ रहे हैं, दिस एंगल थीटा. तो
इसका स्लोप हमने मान लिया m1 और इसका स्लोप मान लिया m2, ठीक है। अब सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कौन सा कर्व, y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस x बाय टू, तो y का हो गया dy बाय dx, e की पार x का e की पार x होता है और यहाँ x की जगह माइनस x बाय टू, तो माइनस x बाय टू, एंड देन डिफरेंशिएटिंग माइनस x बाय टू, तो उसका क्या होगा, माइनस हाफ, ठीक है, आ जाएगा माइनस वन बाय टू e रेस टू माइनस x बाय टू। नाउ किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, dy बाय dx एट अल्फा बीटा, ठीक है, हो जाएगा माइनस हाफ e रेस टू माइनस अल्फा बाय टू, बट अल्फा बीटा तो कर्व पर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा विल बी इक्वल टू ई रेस्ट का माइनस अल्फा बाय टू, देखो इट मींस ई रेस्ट का माइनस अल्फा बाय टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा, यानी माइनस बीटा बाय टू। नाउ चेक करिए, ये हो गया एम टू, अब जरा चेक करिए, वी स्टिल डू नॉट नो बीटा क्या है और अल्फा क्या है, तो अगर हम टैन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्मूले में जब होगा बीटा ही आएगा, और बीटा हमको पता नहीं तो एंगल आ नहीं सकता, बट लुक क्लोजली m1 into m2 जरा चेक करिए, m1 क्या है 2 अपॉन बीटा और m2 क्या है माइनस बीटा अपॉन 2, तो क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, वी आर गेटिंग माइनस 1, स्लोप ऑफ टू टेंजेंट्स का प्रोडक्ट माइनस 1 है, देयरफॉर द टेंजेंट्स आर व्हाट, द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आता है तो इसका मतलब वो लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, इस केस में हमारी लाइंस क्या है, टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर थीटा की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या आ गई, 90 डिग्री। अब इस केस में हमको बीटा की जरूरत ही, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, एक मिनट, निकालने में मुश्किल हो रही थी तो दिया ही इस किस्म से गया था कि उसकी जरूरत हमको ना पड़े। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द कर्व्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 एंड y क्यूब इज इक्वल टू 16x कट ऑर्थोगोनली। इसका मतलब क्या हुआ, इफ द कर्व्स कट ऑर्थोगोनली मतलब जहां जहां इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वहां वहां एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 होगा, मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उन हर पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, लेट्स से अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज हमने माने, अब अल्फा बीटा तो दोनों कर्व्स पर है तो इन दोनों कर्व्स को ही सेटिस्फाई करेगा अल्फा बीटा, क्योंकि लेट से एक ये कर्व है एक ये कर्व है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसकी क्या खासियत होती है, वो पहले कर्व पर भी लाई कर रहा है और सेकंड कर्व पर भी लाई कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों कर्व्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले तो हम ये लिख लें, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 एंड बीटा क्यूब इज इक्वल टू 16 अल्फा, ये हो रहा होगा। नेक्स्ट, अगर वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन हो रहा होगा, बिकॉज इफ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी माइनस वन, यानी m1 into m2 शुड बी माइनस वन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पहले के लिए, पहले स्लोप निकालने के लिए पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा x स्क्वायर का 2x अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर का 2y dy by dx अपॉन 4 और 1 का 0, तो 2 कैन बी टेकन आउट एंड कैंसिल्ड, तो क्या हो जाएगा x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y dy by dx अपॉन 4। अब किस पॉइंट पे हमें निकालना है, अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बीटा वुड बी डी वाई बाई डी एक्स। इस इक्वेशन में हमने अल्फा और बीटा सब्सिट्यूट करा और डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाया, तो ये हमारा क्या हो गया एम वन। इसी तरह अब हम सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा 3 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लिसिट की तरह करेंगे और 16 एक्स का 1, therefore dy by dx क्या आएगा 16 अपॉन 3y स्क्वायर,
पर किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज अल्फा बीटा, तो क्या हो गया 16 अपॉन 3 बीटा स्क्वायर। एंड लेट्स से दिस इज M2, पर वो तो कह रहा है कि द कर्व्स कट ऑर्थोगोनली, यानी उसके हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 है, तो फिर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1, तो -4 अल्फा अपॉन ए स्क्वायर बीटा इंटू 16 अपॉन 3 बीटा स्क्वायर शुड बी -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, वी गेट 64 अल्फा अपॉन ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट वी कैन डू इज 64 अल्फा अपॉन 3 ए इंटू बीटा क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस? बीटा क्यूब क्या है? 16 अल्फा, तो दिस इज 16 अल्फा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, 16 1 जा 16 4 जा, तो क्या आ गया 4 अपॉन 3 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, विच इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, देयरफॉर ए क्या हो गया प्लस माइनस 2/√3। नाउ लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड द एंगल एट विच द टू कर्व्स इंटरसेक्ट, ठीक है। नाउ अगर आप इसे गौर से देखें तो सबसे पहले तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी अल्फा बीटा। जब आप अपने कर्व्स को देखें कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर्व्स हैं, तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश एट फर्स्ट स्टेज मत करिए। पहले मान लीजिए कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी अल्फा बीटा, हो सकता है हमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करने की जरूरत ही ना पड़े, तो ऐसा नहीं कि आपने बस स्ट्रेट अवे अपने दो कर्व्स देखे और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना शुरू कर दिया। देखिए अगर डिफिकल्ट कर्व्स दिए हैं तो हो सकता है कि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू ना निकालनी पड़े, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी अल्फा बीटा, दूसरी चीज डीवाई बाई डी एक्स एट निकाल दें दोनों कर्व्स का एट अल्फा बीटा, तो फर्स्ट कर्व है ये और सेकंड कर्व ये लेते हैं, तो फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया डिफरेंशिएटिंग कर्व 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 3x2, x क्यूब का 3x2, 2 का 0 एंड -3 xy2 में तो प्रोडक्ट रूल लग गया, x बाहर d/dx ऑफ y2 प्लस y2 बाहर d/dx ऑफ x और 0 का तो 0 ही होगा, 3x2 -3 x इंटू y2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2y dy/dx प्लस y2 और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो dy/dx की वैल्यू हम निकाल लें, इनफैक्ट 3 तो कट रहा है, तो क्या हो गया x2 -2xy dy/dx -y2 इज 0, तो dy/dx कम्स आउट टू बी x2 -y2 अपॉन 2xy एंड देखो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा dy/dx एट अल्फा बीटा क्या निकल के आएगा अल्फा स्क्वायर -β² अपॉन 2α β। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग कर्व 2 विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 3x2y में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 3 बाहर x2 बाहर d/dx ऑफ y प्लस y बाहर d/dx ऑफ x2 -3y³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले वाई क्यूब का क्या होगा 3y² और देन एक्स्ट्रा टर्म dy/dx एंड 2 का 0। अब प्रोडक्ट रूल करेंगे तो 3 इंटू x² बाहर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, y बाहर x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x -3y² dy/dx इक्वल्स टू 0, 3 तो कैंसिल आउट हो गया कॉमन होके, तो क्या बचा x² dy/dx प्लस 2xy -y² dy/dx इक्वल्स टू 0, तो dy/dx को सब्जेक्ट बनाइए, dy/dx इज -2xy अपॉन x² -y² एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा पे निकालेंगे तो क्या आएगा dy/dx, लेट्स से वी आर फाइंडिंग एट अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा -2α β
अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। नाउ चेक करिए, कोइंसिडेंस देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, लेट से दिस इज एम वन आया एंड लेट से ये एम टू आया। जरा एम वन इंटू एम टू करिए, एम वन इंटू एम टू क्या आया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन टू अल्फा बीटा इंटू माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। चेक करिए, कैंसिल हो गए तो एंड वी आर गेटिंग माइनस वन, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आ रहा है, माइनस वन। देयरफॉर द लाइंस आर व्हाट, परपेंडिकुलर, और लाइंस हमारी इस केस में क्या है, टेंजेंट्स है, तो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज सेम एज द एंगल बिटवीन द कर्व्स, तो द कर्व्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो जब कर्व्स आपके बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो डोंट स्ट्रेट अवे स्टार्ट फाइंडिंग आउट दी, ट्राई टू फाइंड आउट दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए अल्फा बीटा कुछ है, स्लोप्स निकालिए और स्लोप्स को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं उनका स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन हो रहा हो,